ये बहुत आ रही है, बचाओ पैर बचाओ। अरे उठा के चारों तरफ दोस्तों, हमने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया है, वो भी अपने से। वो पूरा DIY है, यानी अपने से बनाया गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम है जिसे हमने बनाया है, और इसे हमने अभी तक टेस्ट नहीं किया है। लगभग 2 साल पहले की बात है, यहीं पर इसी जगह पर हमने एक छोटा सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम बनाया था जिसमें हम लोग 24 वोल्ट जनरेट कर रहे थे और बहुत ही अच्छा खासा LED ग्लो कर जा रहा था। लेकिन जब हम लोगों ने साल भर पहले, यानी अगले साल जब हमने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम बनाया इसी जगह पर टेस्ट करने के लिए लाया, तो एक ही बार में स्वाय नमा हो गया, मीन्स एक ही बार में ख़त्म हो गया, पूरा पैसा बर्बाद हो गया। लेकिन हमने प्रयास नहीं छोड़ा, यहाँ पर फिर साल भर के बाद अपग्रेडेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम मैंने यहाँ पर बना लिया है, लेकिन टेस्ट नहीं किया है। अभी बारी है तो टेस्ट करना कि यह कैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यार, इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है, मुझे ये कहना नहीं पड़े कि यार इस वीडियो को लाइक करने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, ये बिल्कुल फ्री है। मीन्स यहाँ पर सालों भर 365x24 बिजली आते रहता है, पानी आते रहता है, मीन्स पानी यहाँ पर बहते रहेगा तो बिजली आते रहेगा, मीन्स फ्री एनर्जी। यहाँ पर इसे कह सकते हैं हम लोग फ्री एनर्जी, जो नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया गया ये पानी, और ये पानी हमेशा यहाँ पर बहते रहता है। यहाँ पर डैम है, तो इस डैम का यूज करके हम लोग यहाँ पर बिजली जनरेट करेंगे और फिर देखते हैं जनरेट हो पाता है या फिर नहीं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसे हमने पूरा लोहा से बनाया हुआ है, और यहाँ पर सबसे बड़ी मैकेनिज्म यहाँ पर है कि ये जो फैन ब्लेड है, इस पर पानी का प्रेशर यहाँ से जाएगा। ये जो हिस्सा है इतना टूटा हुआ था पहले से ही, और इसी टूटे हुए हिस्से पर हमने ऐसे सेट किया है जिससे यहाँ पर पानी जाएगा, यहाँ से पानी, और फिर ये रोटेट करने लगेगा। अभी तो रोटेट नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो डैम है उसे बंद किया गया है इसको सेट करने के लिए। और यहाँ पर जो सबसे इसमें साइंस का जो बात है वो यहाँ पर है, मतलब मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, एक बड़ा पुल्ली है, उसके बाद छोटा पुल्ली है, उसके बाद बड़ा पुल्ली है, उसके बाद छोटा पुल्ली है। ये अगर थोड़ा सा धीरे भी चलेगा तो इतना ज़्यादा रोटेशन हो जाएगा कि हमारा ये बड़ा सा अल्टरनेटर जो है ना वो बिजली देने लगेगा। इतना ज़्यादा ये यहाँ पर पुल्ली जो है ना स्पीड बढ़ाने का काम करेगा। तो चलिए बिना देरी किए इस डैम में अब पानी शुरू करते हैं। वहाँ से, वहाँ पर बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करवाता हूँ। ओके भाई साहब, चलिए चलिए चलिए, यहाँ से डैम को उठाया जा रहा है। ये देखिए, और अब जो डैम का स्पीड है, सॉरी पानी का जो स्पीड है, वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट काम करने लगेगा। तो हम लोग बिना देरी किए फिर वहाँ पर जाते हैं। यार अब जो है ना तैयार रहना पड़ेगा। अरे आ जाओ, यहाँ पर अब बहुत ही तेज पानी आने वाला है। वहाँ पर देखना होगा कि यार कैसे वर्क कर रहा है। लग रहा है कि अब शुरुआत हो जाएगा। वो देखिए देखिए, यहाँ पर चलने का प्रयास कर रहा है। चल जाओ वो भाई, यहाँ पर आप देखिए, ओए चल जाओ। वहाँ पर देखिए भाई साहब, कितना ज़्यादा पानी आने लगा, और यहाँ पर सिस्टम जो है ना अभी भी धीरे चल रहा है। तो दोस्तों, फाइनली 5 घंटा बीतने के बाद और बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारा ये सिस्टम काम करने लगा है। अब काम कितना कर रहा है वो आपके सामने मैं अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये रोटेट कर रहा है, और यहाँ से मैंने वायर सेफ्टी पर्पस के लिए वहाँ पर जोड़ दिया है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का वर्क कर रहे हैं तो हल्का भी होगा तो यहाँ पर है पानी तो इलेक्ट्रिसिटी लग सकता है, इसीलिए सेफ्टी पर्पस के लिए मैं वहाँ पर बिजली जलाऊंगा। और यहाँ पर जो पानी है इतना ज़्यादा तेज है कि यहाँ पर खड़ा होना किसी
कमजोर दिल वाले का काम नहीं है। तो मैं अब सेफली बाहर आता हूँ और फिर वहाँ पर दिखाते हैं कि यार कैसे ये काम कर रहा है। हालांकि ऐसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोटेट हो रहा है और चल रहा है। यहाँ से वायर आया तो अब आगे बढ़ते हैं। भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी तेज है और नीचे फिसलन भी है, तो सेफ्टी पर्पस सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ रहा है। ओए भाई यहाँ पर देखिए भाई साहब कितना तेज पानी है और आवाज़ आ रहा है वहाँ से इतना ज़्यादा तेज कि डर लग रहा है यार। तो चलिए अब बाहर निकलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए हैं इस चीज़ को देखने के लिए। सबसे बड़ी बात है यार ये 365 दिन और 24 आवर बिजली दे सकता है अगर पानी चलते रहे तो, और पानी यहाँ पर चलता है। ये गंडक नदी का एक छोटा सा नहर निकला हुआ है जिसमें ज़्यादा ऊपर से नीचे पानी नहीं आ रहा है, बहुत ही हल्का सा, और उतना ही हल्का सा से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब चलिए टेस्ट करते हैं कि हमारा सिस्टम काम कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर है सभी वायर कनेक्ट कर दिया गया है, वायर खुला है, यहाँ पर सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। तो अब जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये बल्ब ग्लो कर रहा है, क्या बात है। वो भाई साहब ये देखिए यार, ये 20 वाट का बल्ब है और ये आसानी से ग्लो कर जा रहा है। हालांकि इसमें हम लोग 100 वाट का बल्ब नहीं ग्लो करा सकते हैं क्योंकि वहां पर कुछ चेंजिंग की जरूरत है। अभी हम लोग पूरा डैम को नहीं उठाए हैं, मे भी हमारा सिस्टम कमजोर पड़ जाए, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग मानने वाले नहीं है। अगर उधियाएगा उड़ेगा तो उड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग डैम और खोलेंगे। खोलो और खोलो। तो भाई यहाँ पर अब देख सकते हैं स्पार्क किस तरह से निकल रहा है। डैम फिर से और ऊपर उठा दिया गया है और जो स्पीड है वो काफी बढ़ चुका है। अब देखिए इस बल्ब को, वो भाई साहब गजब, ये देखिए यार यहाँ पर बल्ब ग्लो कर जा रहा है। अब मैं आपको इस डैम को गिरा के दिखा रहा हूँ, फिर बात किया जाएगा आगे। यार यहाँ पर जो डैम है यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है। तो भाई आपको विश्वास नहीं हो रहा था ना कि कितना ज़्यादा खतरनाक है। इधर देखिए आप किस तरह से पानी लग रहा है कि उबल रहा है, और यहाँ से अब मैं इसको ये कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, देख सकते हैं किस तरह से ये डैम बंद होगा। तो ओके रेडी 1 2 3 ओए भाई साहब यहाँ पर देखिए बंद हो गया अचानक से डैम, और अब हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ना वो काम करना बंद कर देगा। दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बनाने के लिए लगभग इस सिस्टम को बनाने के लिए 10 दिन का समय लग चुका है, और इसमें लगभग 5 आदमी कंटिन्यूस इंजीनियरिंग कर रहा था और हमारा सिस्टम काम भी किया। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से कैसे दिखाई दे रहा है, पुल पर से कितना मस्त यार दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखिए वहाँ पर सेट किया गया था। आपको कैसा लगा ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यार इस वीडियो को लाइक कर देना। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को कम से कम 50,000 से ज़्यादा लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।